क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली कैपिटल्स ने नाम बदलते ही रंग जमाना शुरू कर दिया है और अपने पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को 37 रन से बड़ी मात दे दी और इस मैच के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत, जिनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने आईपीएल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो आपको दिखाते हैं पंत की पूरी पारी, आप ताबड़तोड़ पंत के लिए कमेंट जरूर करें। तो ऋषभ पंत तब क्रीज पर आए जब 13 ओवर खत्म हो चुके थे और दिल्ली का स्कोर था 112 रन। सिर्फ 7 ओवर का खेल बचा था, मगर इन 7 ओवर्स में पंत ने वो कमाल किया जो आज तक नहीं हुआ। ऋषभ ने आकर हार्दिक पांड्या का पहला पूरा ओवर संभल कर खेला और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया, मगर इसके बाद दंदनाते शॉट जो खेलना शुरू किए ऋषभ ने किसी को नहीं बख्शा और आखिरी 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 99 रन बना लिए। ऋषभ पंत ने सबसे पहले बिन कटिंग को अपना निशाना बनाया और कटिंग की पूरी लाइन लेंथ खराब कर दी और चौके छक्कों की बरसात कर दी। इस पूरे ओवर में 17 रन बटोर लिए। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने धवन का विकेट तो लिया, लेकिन पंत ने आखिरी 3 गेंदों में ही 18 रन कूट दिए। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तो ऋषभ पंत के आगे पानी भरते नजर आए और ऋषभ ने बुमराह के ओवर में 15 रन बना लिए। पंत ने सिर्फ 18 बॉल में अपनी 50 पूरी कर दी और रसिक सलाम के ओवर में तो ऋषभ पंत ने 21 रन कूट दिए और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। कुल मिलाकर ऋषभ पंत ने 27 बॉल खेली और 78 रन बनाकर नाबाद रहे और पंत को सिर्फ 6 बॉल और मिल जाती तो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। तो आपको पंत को लेकर क्या कहना है? क्या पंत वर्ल्ड कप के लिए कन्फर्म है? उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।